हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक सुरभि, रफ कॉपी और पेंसिल्स लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक का लेसन नंबर 2, लालची किसान का पेज नंबर 14 खोल लीजिए। तो बेटा, पहले सेशन में मैंने आपको लेसन नंबर 2, लालची किसान का सार सुना दिया था और हमने रीडिंग के 2 पेजेस भी कर लिए थे। आज हम तीसरे पेज की रीडिंग यानी पेज नंबर 14 की रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। कल आपने मेरे साथ पाठ यहाँ तक पढ़ा था कि किसान को सोने का अंडा देने वाली करामाती मुर्गी देकर साधु बाबा वहां से चले गए। बच्चों, आइए आज हम पेज नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पहले हम पेज नंबर 14 के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा क्षत्रिय को आ, प्रतीक्षा मीन्स वेट, WAIT वेट। नेक्स्ट इज प्रसन्नता, आधा न तकुआ, प्रसन्नता मीन्स हैप्पीनेस, HAPPI, NESS हैप्पीनेस। मकान, मकान मीन हाउस। घृणा, घ के पे में री अणकुआ, घृणा, घृणा मीन्स हेट, HATE हेट। सन्यासी, स के ऊपर बिंदी, आधा न यकुआ, स को बड़ी ई, सन्यासी मीन्स सेंट, SAINT सेंट। नेक्स्ट इज झंझट, झ के ऊपर बिंदी, जट, झंझट, झंझट मीन परेशानी वाला काम। नेक्स्ट इज योजना अनुसार। बेटा, ये शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, योजना प्लस अनुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लान, ACORDING, अकॉर्डिंग टू प्लान, व्हीकल। तो चलिए बेटा, हम पेज नंबर 14 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साधु के जाते ही किसान बेसब्री से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। उस रात वह ठीक से सो भी नहीं सका। सुबह होने पर किसान ने देखा कि साधु की बात सच निकली, उस मुर्गी ने सचमुच सोने का अंडा दिया था। हाँ तो बच्चों, सुना आपने, किसान सुबह होने का इंतजार कर रहा था और उसने देखा सचमुच मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। तो चलिए बेटा, आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। अब तो किसान की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तो बेटा, प्रसन्नता का ठिकाना ना रहना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। उसे रोज सुबह सोने का एक अंडा मिलने लगा। कुछ ही दिनों में सोने के अंडे बेचकर किसान गांव का सबसे धनी आदमी बन गया। उसने झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा और सुंदर मकान बनवा लिया था। गरीबी का अब नामो निशान भी नहीं था। तो बेटा, अब किसान को रोज सोने के अंडे मिलने लगे, जिससे वह अमीर हो गया और साथ ही साथ लालची भी हो गया। तो बेटा, चलिए आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। वह अपने मकान और ठाट बाट को देखकर प्रसन्न होता रहता था, लेकिन धन आ जाने के बाद अब उसका स्वभाव पहले जैसा नहीं था, वह बदल गया था। उसे अब गरीबी और गरीबों से घृणा थी। वह अब किसी गरीब की सहायता नहीं करता था, किसी साधु संन्यासी का आदर नहीं करता था। तो बेटा, आपने सुना, अमीर होने के बाद उसका स्वभाव बदल गया था। वह अब सबसे नफरत करता था। तो चलिए बेटा, आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं कल सुबह मुर्गी का पेट फाड़ कर एक बार में ही सारे अंडे निकाल लूं। ये रोज एक अंडे वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा। अगले दिन रोज की तरह मुर्गी ने एक अंडा दिया। किसान ने सोने का अंडा उठाकर एक तरफ रख दिया। तो बेटा, आपने देखा और सुना, एक दिन उसके मन में लालच आ गया कि मैं एक ही दिन में मुर्गी के पेट से सारे सारे अंडे निकाल लूं। तो चलिए बेटा, आगे रीडिंग की ओर ध्यान दें। फिर उसने अपनी योजना अनुसार मुर्गी को पकड़कर चाकू से उसका पेट फाड़ दिया।
ये क्या, मुर्गी के पेट में तो सोने का एक भी अंडा नहीं था। तो बेटा, जब उसने मुर्गी को पकड़कर चाकू से काट दिया तो उसके पेट से कुछ भी ना निकला। आगे रीडिंग की ओर ध्यान दें। बिना विचारे किसान ने बहुत से सोने के अंडों के लालच में अंधा होकर प्रतिदिन सोने का अंडा देने वाली करामाती मुर्गी की हत्या कर दी थी। तो बेटा, हत्या, ह आधा त य को आ, हत्या, इसमें आधे त की साउंड है। मुर्गी को मरा देखकर किसान उसके पास बैठकर अपनी करनी पर आंसू बहाने लगा, जैसा कि आप इस चित्र में देख रही है। तो बेटा, आपने सुना, लालच में आकर उसने करामाती यानी चमत्कारी मुर्गी को मार डाला और पछताने लगा। नेक्स्ट इज शिक्षा। शिक्षा मीन्स मॉरल। लालच का फल सदैव, सदैव मीन्स सदा, बुरा होता है। तो अब बेटा, हम वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे और वाक्य बनाएंगे। वाक्य मीन सेंटेंसेस। और अब मैं आपको सैंपल्स के तौर पर वाक्य बताऊंगी, आइए पढ़े। नंबर वन, निर्धन। निर्धन मीन गरीब। वाक्य, निर्धन लोगों की मदद करो, या पिताजी ने निर्धन लोगों को खाना खिलाया। नेक्स्ट इज कुटिया। कुटिया मीन्स झोंपड़ी। कुटिया के अंदर साधु बैठा था, या कुटिया घास फूस से बनी है। नेक्स्ट इज प्रस्थान। प्र आधा स थ कुआन, प्रस्थान मीन्स जाना। गाड़ी 9 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। नेक्स्ट इज स्पर्श। स्पर्श मीन छूना। वाक्य, बिजली की तारों को स्पर्श न करो। नेक्स्ट इज प्रसन्नता। प्रसन्नता मीन्स खुशी। प्र स आधा न न त को आ, प्रसन्नता। अच्छे अंक देखकर रोहन के पिताजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, या लॉटरी निकलने पर रमेश के पिताजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। नेक्स्ट इज घृणा। घृणा मीन्स नफरत। वाक्य, गरीबों से घृणा मत करो, या पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। नेक्स्ट इज सन्यासी। सन्यासी मीन साधु। वाक्य, माँ ने सन्यासी को खाना खिलाया। नेक्स्ट इज झंझट मीन्स परेशानी वाला काम। समझदार लोग दूसरों के झंझटों में नहीं पड़ते। नेक्स्ट इज करामाती मीन्स चमत्कारी। जादूगर के पास एक करामाती छड़ी है। तो बेटा, अब आपने भी इन वर्ड्स के सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। आशा है कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आपने भी इस पूरे पाठ की दोहराई करनी है और डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी कॉपी पर लिखना है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।